हे माय बटरफ्लाई, कैसा आप सब। वेलकम BTS 10th एनिवर्सरी वीडियो पार्ट 2। लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि BTS आपस में एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। जिसने अब तक नहीं देखा है तो टाइम मिले तो देख सकते हैं, टाइम मिले तो। इसमें हम देखेंगे BTS आर्मी को कितना प्यार करती है। ये वो लड़की है जो अपने माइक ड्रॉप डांस के वजह से बहुत वायरल हुई थी। BTS ने इसे देखा है तभी इस लड़की को देखकर इतना एक्साइटेड हो गए। प्लीज माइक ड्रॉप करके दिखाओ। वाओ, देखा BTS को आर्मी के फैन है। शुगा कह रहे हैं चूंकि हमारे पास सपने हैं जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं और चूंकि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमें बहुत सारा प्यार भेजते हैं, अगर साफ तरीके से बोला जाए तो हमें उस प्यार का बदला चुकाना चाहिए। इसके बाद जिन ने कहा और हमारे फैंस लगातार हमारा सपोर्ट करते हैं तो हम और भी ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं। आर्मी के कारण हम बिना प्रेशर के काम कर पाते हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि एम्स और नई रिकॉर्ड तोड़ना बेशक ज़रूरी है, लेकिन हमारे म्यूज़िक के ज़रिए हमारे फैंस को खुशी देना ये ज़्यादा अच्छा है। हमने इस एल्बम को अपने फैंस के साथ इंजॉय करने के लिए बनाया है और हमारा सबसे पहले एम होगा अपने फैंस के साथ इस कीमती समय को इंजॉय करना। वो आरम ने कहा जब आप फैंस की आंखों को देखते हैं, जब हम उनके सामने नाचते हैं और गाते हैं, उनकी एनर्जी, उनकी ईमानदारी, उनका संदेश मतलब मैसेज, उनके लेटर, उनके वर्ड्स, सिर्फ यही कारण थे जिसकी वजह से हमने कभी हार नहीं मानी और यही बैंड के होने का एकमात्र वन एंड ओनली रीज़न है। नामजुनी शुगा कह रहे हैं आप जानते हैं कि लोग कैसे होते हैं, जब वो टॉप पर पहुंचने के लिए ऊपर चढ़ते हैं तो पीछे से धक्का देने वालों को ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं, लेकिन हम BTS सोचते हैं कि आप हमें पीछे से धकेल नहीं रहे। हमें लगता है कि हम हर रोज़ पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। हमें लगता है कि हम हर रोज़ पहाड़ पर चढ़ रहे हैं आपका हाथ पकड़ के, हम एक साथ ऊपर बढ़ रहे हैं। JK जो अपना ही आर्मी के लिए लिखा लेटर पढ़ के रो पड़े। टू आर्मी, ज़्यादा गर्मी बीत चुकी है और अब सर्दी आ गई है। सर्दी इतने करीब है और मैं इमोशनल हो रहा हूँ, तो मैं आसमान की तरफ देखता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। बेशक आर्मी, आप मेरे बहुत सारे थॉट्स मतलब विचार पर कब्जा कर लेते हैं, मतलब मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। क्या तुम भी अक्सर मेरे बारे में सोचते हो? तुम्हारे बारे में मेरे विचार कीमती यादों से भरे हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे बारे में आपकी जो यादें हैं वो भी अनमोल है। मैं आपके लिए और भी बेहतर करूँगा। अनपो बैंगपो, आर्मी फॉरएवर, BTS फॉरएवर। मैं हर दिन आपके हेल्थ और खुशी की विश करता हूँ। आई लव यू आर्मी, चाहे जो भी हो खुश रहो, ओके। डोंट क्राई, आर्मी भी तुम्हें हमेशा याद रखती है। जिमिन क्या कह रहे हैं, हमारे और आर्मी के बीच का बॉन्ड शुरू से ही मजबूत था, तब भी जब हमारी टीम छोटी थी। सॉन्ग परफॉर्मेंस, हमेशा ऐसा लगता था कि हमने एक साथ किया है, इसलिए मैं इस समय भी आभारी हूँ। मुझे आशा है कि मैं जल्द ही सभी से मिल सकूँगा और उन्हें डायरेक्ट थैंक यू कह सकूँगा। वी से सवाल, वो बॉन्ड रिश्ता कहाँ से आता है, मतलब आर्मी के साथ रिश्ता कैसे बनता है? आर्मी वो है जो सबसे मुश्किल समय में हमारे साथ थी, ये पहला रीज़न है। जब हम दुखी होते हैं, जब हम खुश होते हैं, जब हम सेलिब्रेट करते हैं, आर्मी हमेशा हमारे साथ थी। मुझे लगता है आर्मी वो है जो हमें सबसे ज़्यादा जानती है। करेक्ट, आर्मी सच में BTS को बहुत जानती है, कभी कभी तो इतना ज़्यादा जान लेती है कि उनके पर्सनल लाइफ में भी घुस जाती है। सॉरी, पर ये सच है।
ये सब अपने फैंस को कभी थैंक यू और सॉरी कहना नहीं भूलते। चोट लगने पर भी हमेशा परफॉर्म करते हैं चेहरे पर बड़ी स्माइल के साथ। एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करते हैं ताकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और इसलिए जेहोप यहाँ पर फूट फूट के रोए थे। नहीं तो जेहोप ऐसे इंसान है जो ऐसे अवार्ड शो में कैमरे के सामने इतनी आसानी से नहीं रोते हैं। समय समय पर अपने फैंस को मोटिवेशन बातें बताते रहते हैं। कैमरे के सामने बेवकूफ़ी से बेवकूफ़ी हरकतें करने को तैयार रहते हैं ताकि आर्मी खुश हो सके। जेके का क्या कहना है? मैं आर्मी के बारे में सोचूंगा। मैं शावर में एक घंटे के लिए आर्मी के बारे में सोचूंगा। मैं गेम खेलते समय आर्मी के बारे में सोचूंगा। अगर मुझे भूख लगी है तो मैं खाते समय आर्मी के बारे में सोचूंगा। जब तक मैं बेड पर नहीं जाता तब तक मैं आर्मी के बारे में सोचूंगा। मैं अपनी नींद में आर्मी का सपना देखूंगा। ये मेरा प्लान है। बहुत अच्छा प्लान है। जो होप कह रहे हैं अब मैं आर्मी के लिए ब्रेसलेट बनाना स्टार्ट करूंगा। तो मैं कौन सा कलर चाहिए? मैंने अलग अलग कलर तैयार किया है। पर्पल? सच में मुझे नहीं पता था ये कलर हमारे लिए इतना मायने रखता है। फोकस 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 ब्यूटीफुल। अच्छा लग रहा है हो भैया। जिमना बहुत वक्त हो गया एवरीवन। क्या तुम मुझे अच्छे से देख सकते हो? मैंने तुम्हें याद किया तो मैं यहाँ आ गया। मैं तुमसे बात करना चाहता था और अपने को दिखाना चाहता था और मिलना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आया। आप हमारी वीडियो देख रहे हैं? जब मुझे रेस्ट मिलता है तो मुझे आर्मी की वीडियो देखनी चाहिए। आर्मी अच्छा गाती है। अगर आप हमें फ्री टाइम में देखते हैं तो मैं भी सेम ऐसा ही करूंगा और आपको देखूंगा। थैंक यू गाइस। मैं अभी बहुत खुश हूँ। तुम जानते हो बहुत सेटिस्फाइड भी। थैंक यू। जिमिन त्योंग से कह रहे हैं, त्योंगी तुम वहाँ से ए और आर लिखो, यहाँ से मैं एम वाई लिखूंगा। अपने फुट स्टेप का यूज करना। ओके फाइटिंग। ओके मैं कोशिश करूंगा। जिमिन और भी पैर के फुट स्टेप से आर्मी लिख रहे हैं। बड़ा सा ए बनाना। ओके त्योंगी। ह्यूंग देखो आर्मी, हमारी आर्मी, ये ऑसम है। वो ये सच में कमाल है। जिमिन जे के कॉइन से आर्मी लिख रहे हैं। कॉइन से वाओ। ये सच है कि आइडल्स आर्टिस्ट को पैसे मिलते हैं, नाम मिलता है, वो सुपरस्टार बन जाते हैं। जो BTS भी हैं उनको भी तो पैसे मिल रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको BTS की वजह से खुशी मिलती है। अगर आप कुछ आर्मी से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि BTS ने उनको जीने की एक राह दिखाई है। जीनी, युंगी, होबिया, नामजूनी, जिमिनी, त्योंगी और जंकुकी, लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। हैप्पी 10th BTS एनिवर्सरी। भगवान करे तुम्हारी 25th एनिवर्सरी भी हम सेलिब्रेट करें। ओके देन, फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। सी यू अगेन।